दोस्तों आज हम आपके लिए फिर से एक नए ट्रेलर का रिएक्शन लेके आए हैं, जिस ट्रेलर का नाम है लाल सिंह चड्ढा और इसमें है आमिर खान। यस, और ये इसमें हीरोइन होंगी वो कौन है भाई, पटौदी की बीवी करीना कपूर। वैसे कह रहे थे कि इस मूवी को बनाने में इसको मतलब काफी टाइम लगा हुआ। यार मुझे समझ नहीं आ रहा है कॉपी बनाने में इतना टाइम कैसे लग सकता है, थोड़ा बहुत चेंज करके। तानी भाई वैसे जितना मैंने सुना है न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग भी कि ये फॉरेस्ट गम का ही कॉपी बनी है, बस इंडियन वर्जन है उसका। हाँ, थोड़ा चेंज कर दिया। किसी ने फॉरेस्ट गम ना देखी हो तो टॉम हैंक्स की एक बहुत ही मतलब अच्छी और थोड़ी पुरानी मूवी है, टाइम लगे तो जरूर देखना। नेटफ्लिक्स पे भी मिल जाएगी। हाँ, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। तो इसको देखते हैं कि कैसी बना रखी है, देखते हैं। कंपैरिजन तो हो गई। इसे पैसा लेना ही नहीं, खुद ही पिक्चर बनानी है भाई हमने। जो भी हुंदा है वो हम कर दें या फिर हम हवा विच ऐवें ही उड़ते फिर दें यहां से वहां। अबे यार वो चॉकलेट लेके जाता है, मिठाई लेके जा रहा है। हां मैं तो बिल्कुल चंगा हूँ। कहाँ रहते हो? अपने घर विच। बुद्धू हो क्या? नहीं जी, मैं तो बिल्कुल चंगा हूँ। आपका बच्चा अलग है। कुछ बच्चे होते हैं बहुत इंटेलिजेंट, कुछ होते हैं नॉर्मल, और कुछ नॉर्मल से कम, जैसे आपका लाल। मैं ले लेता हूँ। ओए तू अपना काम कर, वो खुद उठाएगा। अरे जस्सी बाकी बच्चों जैसे जस्सी जैसी कोई नहीं जो किया है वो हमेशा याद रखी। अब कुछ लोग विश्वास नहीं करते पर जिंदगी में चमत्कार होते हैं जी। अबे भाई ये तो भागते भागते पैटी हो जाएंगे इसके। सेम चीज है। मम्मी कहती थी कि अरे अबे भाई इसमें रेसिंग कर रहा है, उसमें उसमें भी भाग रहा होता है वैसे। ले भाई आर्मी में भी चला गया। मैंने नहीं पता कितने लिखिया है सब, किसने लिखिया है और क्यों लिखिया है जो लिखिया है। रूपा मेरे साथ ये रही इसकी जैनी रूपा। बहुत अच्छे लगते हो लाल, लेकिन हमारा कुछ नहीं हो सकता। ओ भाई ये तो भाई सेम कॉपी, वो भी ऐसे ही दौड़ता है दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के लद्दाख तक ऐसे। ये भाई जल्दी कैंसर हो गया, नवी बेड में लेके पेट पले ही पर जावे मन नहीं भरता। वो करती भी ऐसे काम थी ना। यस ये यार इसकी बीवी मिल गई, पिक्चर बना लेते हैं। हाँ अपना प्रोडक्शन हाउस है, अब बनाएंगे। yes. कॉपी कर रहे हैं मतलब भाई ऐसी बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है, कुछ ऐसी देखने की जरूरत नहीं है। जाओ अपना फॉरेस्ट गम देखो, तुम्हें एग्जैक्ट वही रेप्लिका मिलेगा, दो चार डायलॉग आगे पीछे होंगे बस। और बस इंडियन वर्जन बना दिया उसका थोड़ा, बस वही वो चेंज कर दिया उसका। वहाँ पे वो कुछ और करते हैं, यहाँ खेतों में आस की चल रही है और ज्यादा कोई फर्क नहीं है। अब बाकी सब सेम ही बना रखा भाई, लग रहा था चलेगी वैसे तो। अब लोग तू देखने जा रहा है के फैंस, हम मैं तो वैसे ही अब देखते हैं, जब आएगी तब देखेंगे। टाइम मिला तो चले जाएंगे। ना टाइम मिला मतलब ना ही है, मैं भी नहीं जाऊंगा देखने। बाकी अगर आपको ये पसंद आई हो तो आप जा सकते हैं देखने। अगर आपने फॉरेस्ट गंप नहीं देखी तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। हाँ अगर आपने फॉरेस्ट गंप नहीं देखी है तो आप इस मूवी को जरूर देखो। स्टोरी वाइज बहुत ही बढ़िया स्टोरी है इस मूवी की, ठीक है, अगर फॉरेस्ट गम जैसी ही है तो। और एक्टिंग तो आमिर खान वैसी अच्छी करता है यार, बाकी करीना कपूर भी बहुत अच्छी एक्टिंग करती है, उसकी माँ जस्सी का कैरेक्टर भाई पता नहीं क्या नाम है। और स्टोरी मूवी की वैसी अच्छी है तो पसंद तो आएगी आपको। दोस्तों आज के ट्रेलर में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बट जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक जरूर कर दें। यस, और एक घंटी का आइकन आ रहा होगा ना, उसे भी दबा देने से नोटिफिकेशन आप तक आती रहेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी ट्रेलर में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।